नमस्ते डे के इस वीडियो में हम लोग कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के रिगार्डिंग मेरे प्यारे व्यूवर्स देखिए हम लोगों ने पिछली वीडियोस में देखा कि सीरीज रेजोनेंट सर्किट क्या है ओके पैरेलल रेजोनेंट सर्किट क्या है वहां पर जो इंपिडेंस होता है करेंट होता है ओके okay, इन सब को हम लोगों ने डिस्कस किया ठीक है साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी देखा कि जो सीरीज रेजोनेंट सर्किट है ओके okay, उसे हम लोग कहते हैं एक्सेप्टर सर्किट लेकिन वहीं पैरेलल रेजोनेंट सर्किट को हम लोग कहते हैं रिजेक्टर सर्किट ओके और एक चीफ कैरेक्टरिस्टिक भी दोनों का डिस्कस किया हम लोगों ने कि जो सीरीज रेजोनेंट सर्किट है ओके okay, जिसे आप ऐसा भी कह सकते हो सीरीज रेजोनेंस इन एलसीआर सर्किट ऐसा भी कह सकते हो ये जो है वोल्टेज मैग्निफिकेशन का एक चीफ कैरेक्टरिस्टिक शो करता है उसी प्रकार से जो पैरेलल रेजोनेंट सर्किट है वो भी एक चीफ कैरेक्टरिस्टिक शो करता है करंट मैग्निफिकेशन का इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने डिस्कस किया तो इन्हीं सारी चीज़ों पर बेस्ड हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ले रहे हैं तो चलिए जो थिंग्स है उसको स्टार्ट करते हैं यहाँ पर देखिए जो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग लिए हैं वो क्या है एट रेजोनेंस द इम्पिडेंस ऑफ सीरीज सर्किट इज रेजोनेंस पर जो इम्पिडेंस होता है सीरीज सर्किट का ओके okay, वो क्या होता है प्योरली रेजिस्टिव होता है या प्योरली इंडक्टिव होता है या प्योरली कैपेसिटिव होता है या इनमें से कोई भी नहीं देखिए बेसिकली प्यारे भी है ना अगर आप सर्किट लेते हैं मान लीजिए इस प्रकार से आपने एक सीरीज सर्किट लिया ठीक है इस प्रकार से जो है सीरीज सर्किट आपने कंसिडर किया जस्ट इमेजन ओके okay, अब देखो इस सीरीज सर्किट में क्या है एक रेजिस्टेंस है एक इंडक्टर है जिसका इंडक्टेंस एल ले, ले लेते हैं मान लेते तो हैं ये कैपेसिटर है इसका कैपेसिटेंस सी है अगर आप इसका कॉम्प्लेक्स एम्पिडेंस लिखते हो जेड तो अब आप ये आपको मिलेगा आर प्लस जे ओमेगा एल माइनस जे बाई ओमेगा सी कुछ ऐसा मिलेगा और आप चाहो तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो जे को कॉमन आउट लेकर के इस प्रकार से भी आप लिख सकते हो उसको देखो रेजोनेंस पर क्या होता है प्यारे व्यूबर्स कि रेजोनेंस पर जो आपके रिएक्टिव कंपोनेंट्स हैं वो एक दूसरे से इक्वल होता है अर्थात ये जो रिएक्टेंस है इस इंडक्टर के कारण और रिएक्टेंस जो है इस कैपेसिटेंस के कारण ये दोनों एक दूसरे से इक्वल होगा ओके अर्थात जो एक्स एल है जो रिएक्टेंस है आपका इंडक्टर के कारण उसको एक्सएल से रिप्रेजेंट करते हैं और जो आपका रिएक्टेंस है कैपेसिटेंस के कारण ओके okay, उसको एक्स सी से रिप्रेजेंट करते हैं ये दोनों इक्वल होता है इसकी वजह से अगर आप यहाँ पुट कर दो तो आप देखोगे जेड जो है आर से इक्वल है मतलब जो हमारा इम्पिडेंस होता है एट रेजोनेंस वो प्योरली रजिस्टिव होता है सो so, अपना जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर वो क्या होगा ऑप्शन नंबर ए अब चलिए जो दूसरा क्वेश्चन है उसकी तरफ चलते हैं देखिए सेकेंड क्वेश्चन हम लोग लिए हैं सीरीज रेजोनेंस अकर्स वेन इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू देखिए बेसिकली हम लोग क्या बोले कि आपका जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है मतलब इंडक्टेंस इंडक्टर के कारण जो रिएक्टेंस है और जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है अगर ये दोनों इक्वल होता है तभी रेजोनेंस हैपन होता है ठीक है बेसिकली जो आप ये ये, ये जो सर्किट है ये कौन सा सर्किट है ये है आपका सीरीज एल सर्किट ठीक है और इसी में एक और सर्किट होता है जो होता है आपका पैरल पैरल एल सर्किट ओके इन दोनों में ही जो रिजोनेंस हैपन होता है उसका एक सिंगल कंडीशन है वो क्या है कि आपका जो रिएक्टिव कंपोनेंट्स है वो एक दूसरे से इक्वल होता है ठीक है रिजोनेंस वहीं पर हैपन होता है ठीक है सो so, रिजोनेंस

जीरो इम्पिटेंस इन फाइनाइट इम्पिडेंस वेरी स्मॉल बट फाइनाइट इम्पिडेंस एंड वेरी लार्ज बट फाइनाइट इम्पिटेंस देखिए यहीं से आप ये चीज़ पता कर पाएंगे कि हमारा जो z था ना वो बेसिकली r से इक्वल है ठीक है r से क्योंकि रिएक्टिव कंपोनेंट तो जीरो से इक्वल है क्योंकि रिएक्टिव कंपोनेंट्स एक दूसरे से इक्वल है तो ऑब्वियस सी बात है ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देगी तो यहाँ पर जेड जो ये प्योरली रेजिस्टिव होता है एट रेजोनेंस तो सीरीज़ सर्किट जो है जो इमेंस ऑफर करती है ना वो काफी स्मॉल होता है लेकिन इसका वैल्यू फाइनाइट होता है हम लोग पता कर सकते हैं सो ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका करेक्ट होगा ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा चलिए चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन क्या है क्यू फैक्टर ऑफ सर्किट इज़ ए मेजर ऑफ जो क्वालिटी फैक्टर होता है सर्किट का वो किसका मेजर होता है सेलेक्टिविटी का रिटेंटिविटी का सेल्फ इंडक्टेंस का या म्यूचुअल इंडक्टेंस का देखिए हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ा है कि जो क्वालिटी फैक्टर है ये बेसिकली सेलेक्टिविटी ऑफ सर्किट को डिटोमाइन करता है कहने का अर्थ यह है कि अगर सर्किट का क्वालिटी फैक्टर ज़्यादा है तो उसका सेलेक्टिविटी भी ज़्यादा होगा ओके okay, सो so यहां पर जो अपना ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट होगा अब चलते हैं कहां पर फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ फिफ्थ क्वेश्चन क्या है इंक्रीजिंग क्यू ठीक है क्यू मतलब क्यू आप इसको और परफेक्टली क्यू फैक्टर लिख लो ठीक है इंक्रीजिंग क्यू फैक्टर ऑप्शन में देखिए हैज नो एफेक्ट ऑन बैंड डिक्रीज इट्स बैंड इंक्रीज इट्स बैंड नन ऑफ दिस देखिए प्यारे व्यू बेसिकली जो बैंड वायदेद है ना बी डब्ल्यू इसे हम लोग कुछ इस प्रकार से लिखते हैं एफ टू माइनस एफ वन और ये आपका इक्वल होता है किससे एफ नॉट बाई क्यू से ठीक है F0 Q से इस प्रकार से इक्वल होता है ओके okay. अगर आप यहां पर देखो तो बैंड वायदे क्या है क्यू पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ओके okay. मतलब ये है कि अगर सर्किट का क्वालिटी फैक्टर बढ़ रहा है तो उसका जो बैंड वायदेद है ओके okay. है ना मतलब जो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी है जिसमें आपका आ, क्या कहते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी लाइक करेगा वो रेंज और घटेगा घटेगा डिक्रीज होगा मतलब बैंड वाइडित डिक्रीज होगा सो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है देखिए डिक्रीज इट्स बैंड वाइडित क्वालिटी फैक्टर जितना ग्रेटर होगा सर्किट का उतना ही कम होगा बैंड वायदिथ और उतना ही शार्पर होगा आपका रेजोनेंस उतना ही शार्पर आपका रिजोनेंस होगा या फिर उतना ही हाइयर सेलेक्टिविटी होगा सर्किट का ठीक है चलिए अब चलते हैं कहाँ पर अपने छठे क्वेश्चन की तरफ देखिए सिक्स क्वेश्चन क्या लिए हैं एट रेजोनेंस विच इज़ करेक्ट रेजोनेंस पर कौन सा चीज़ करेक्ट है इसमें से ऑप्शन देखिए ओमेगा एल ग्रेटर देन ओमेगा सी आ, वन बाई ओमेगा सी ओमेगा एल लेस देन वन बाई ओमेगा सी ओमेगा एल इज इक्वल टू वन ओमेगा सी एंड ऑप्शन डी क्या है ओमेगा एल इज इक्वल टू ओमेगा क्या कहते हैं हम लोग रेजोनेंस पर जो रिएक्टिव कंपोनेंट्स होता है वो एक दूसरे से इक्वल होता है सो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा करेक्ट होगा अब यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर सेवन अल ऑफ इंडक्टेंस एल ठीक है इंडक्टेंस एल एंड रजिस्टेंस आर 120 ओम का रेजिस्टेंस गिवन है कनेक्टेड इन पैरेलल विद कैपेसिटर द इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट एट रेजोनेंस इज क्या होगा इम्पिडेंस सर्किट का रेजोनेंस पर 10 ओम होगा 100 ओम 1000 ओम या 10000 थाउजेंड ओम यहाँ पे एल का वैल्यू गिवन है तो यहाँ पर देखते हैं चलिए देखिए बेसिकली हमें जो है इम्पिडेंस निकालना है सर्किट का एट रेजोनेंस और पैरल सर्किट है ठीक है

तो यहाँ हो जाएगा वन बाई टेन पे पावर टू हंड्रेड को लेंगे टेन पे पावर टू या टेन पे पावर माइनस सिक्स सो जेड क्या बच रहा है टेन पे पावर माइनस फोर इट मीन इज इक्वल टू क्या होगा टेन पे पावर फोर ओम मतलब है इक्वल टू हो जाएगा ओके टेन थाउजेंड ओम देखिए ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा है. अब चलिए हम लोग कहाँ चलते हैं अपने आठवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं क्या कह रहा है पैरेलल रेजोनेंस सर्किट एग्जिबिट्स मैग्निफिकेशन ऑफ वोल्टेज करंट बोथ मतलब बोथ करंट और वोल्टेज एंड डी है नन ऑफ दिस हम लोगों ने इस वीडियो का स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि जो पैरेलल रेजोनेंट सर्किट है वो करंट मैग्निफिकेशन को शो करता है करंट मैग्निफिकेशन उसका एक चीफ कैरेक्टरिस्टिक है और जो सीरीज रेजोनेंट सर्किट है वो वोल्टेज मैग्निफिकेशन शो करता है मतलब उसका जो चीफ कैरेक्टरिस्टिक है वो वोल्टेज मैग्निफिकेशन है ठीक है सो so इस केस के लिए ये आपका करेक्ट होगा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर नाइन की तरफ चलते हैं क्या है इफ आर इज वेरी स्मॉल आर मतलब रेजिस्टेंस सर्किट का अगर रेजिस्टेंस बहुत स्मॉल है देन विच इज करेक्ट फॉर जेड मतलब जेड मतलब इंपीडेंस के लिए इसमें इन इनमें से कौन सा चीज करेक्ट है क्यू डॉट ओमेगा नॉट एल करेक्ट है या क्यू डॉट ओमेगा नॉट सी करेक्ट है या क्यू डॉट एल करेक्ट है या फिर बोथ ए एंड बी देखिए आपको याद होगा हम लोगों ने एक टॉपिक देखा था जहाँ पर हमें मिल रहा था Z इज इक्वल टू क्यू डॉट ओमेगा नॉट एल कहने का अर्थ यह है कि आपका जो ब्रांच लाइन का इम्पिडेंस था ना ओके उतना आ, मतलब जो ब्रांच लाइन का इम्पिडेंस था उससे Q टाइम्स ज़्यादा हमें इम्पिडेंस मिलता है ओके अब चूंकि रेजोनेंट की बात हो रही होती है तो रेजोनेंट पर आपका ओमेगा नॉट एल जो है ये वन बाई ओमेगा नॉट सी से इक्वल होता है तो जेड को आप क्यू डॉट ओमेगा नॉट माफ़ कीजिएगा वन बाई ओमेगा नॉट सी भी आप ले सकते हो ओके okay, तो ये दोनों ही करेक्ट होता है देखिए बेसिकली एक छोटा सा अजप्शन के बेसिस पर हम लोग ये चीज़ पता किए थे जहाँ पर हम लोग देखे थे कि जो इम्पिडेंस है ना ये एक्चुअली में क्वालिटी फैक्टर का फंक्शन होता है ठीक है अगर आपका क्वालिटी फैक्टर बढ़ेगा पैरल रेजोनेंट सर्किट में एट रेजोनेंस तो इम्पिडेंस भी सर्किट का बढ़ेगा और रेजिस्टेंस और स्मॉल होता जाएगा ठीक है, so, both A and B आपका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा अब अपना की तरफ चलते हैं। देखिएगा क्या है? सर्किट में जो करेंट होता है रेजोनेंस पर वो मिनिमम होता है सो मिनिमम इज करेक्ट आंसर ठीक है क्योंकि इंपिडेंस जो है रेजोनेंस पर वो मैक्सिमम होता है आइए आगे आते हैं क्या है एलेवेंट दाइनमिक रेजिस्टेंस विच इज गिवेन एज जेड इज इक्वल टू सी बाई एल आर जेड इज इक्वल टू एल बाई सी आर जेड इज इक्वल टू सी आर बाई एल एंड जेड इज इक्वल टू सी बाई आर एल देखिए यहां पर हम लोगों ने एक प्रॉब्लम सॉल्व किया था कुछ देर पहले जहां पे इम्पिडेंस एट रेजोनेंस निकाल रहे थे पैरल रेजोनेस सर्किट में ये फार्मूला यूज़ किए थे Z इज इक्वल टू एल बाई सी आर यहाँ जो Z है यही है आपका डायनेमिक रेजिस्टेंस और यही फार्मूला है यहाँ पे L क्या है इंडक्टेंस है जो भी क्वाइल होगा R जो है क्वाइल का ही रेजिस्टेंस है या फिर जो सर्किट होगा उसके सीरीज़ में आपका रेजिस्टेंस कनेक्टेड होगा और जो सी है आपका वो एल और आर दोनों से पैरलली कनेक्टेड होगा ठीक है

क्वेश्चन क्या है it, uh, in series resonance is given है series resonance में जो वो हम लोग किन किन फॉर्मूला से पता कर सकते हैं यहाँ पर कुछ गिवन है इनमें से हमें बताना है कौन सा सही है ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन एफ टू माइनस एफ वन ओमेगा नॉट बाई क्यू और ऑल ऑफ दीज देखिए कुछ देर पहले ही हम लोगों ने क्यू फैक्टर की बात की थी ओके okay. है ना कुछ देर पहले ही हम लोग क्वालिटी फैक्टर की बात किए थे एक हम लोगों ने एक फॉर्मूला यहाँ पर देखा था बी बैंड वायदे इज इक्वल टू एफ नॉट बाई क्यू ओके देखिए बेसिकली हमारा जो बैंड वायदे थे उसे आप एफ टू माइनस एफ वन भी लिख सकते हैं इसको आप चाहो तो ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन भी ले सकते हो क्योंकि ओमेगा रेडियंस में है और एफ जो है ये आपका हॉट्स में है इसको आप ओमेगा नॉट बाई क्यू भी ले सकते हो बैंड को सो यहाँ पर ये तीनों जो फॉर्मूलाज है वो क्या है करेक्ट है तीनों करेक्ट ठीक है ना कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ पे आइए अब चलते हैं हम लोग हमारा जो आगे का क्वेश्चन है उसकी तरफ थर्टींथ क्वेश्चन देखिए क्या है विच इज ट्रू फॉर ऑपरेटर जे ऑपरेटर जे के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है जे इज़ एन इमेजनरी क्वान्टिटी बिल्कुल ये स्टेटमेंट करेक्ट है जे जो है इमेजनरी क्वान्टिटी है जैसे आपका आयोटा हुआ करता था कॉम्प्लेक्स नंबर्स में जे इज इक्वल टू अंडर रुट माइनस वन बिल्कुल जे हाँ ठीक है अंडर रुड माइनस वन ये भी करेक्ट है फिर सी है आपका जे रिप्रेजेंट्स रोटेशन ऑफ वेक्टर बाय 90 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बिल्कुल अगर आप किसी एक वेक्टर एरो ए को जे से मल्टीप्लाई कर देते हो तो ये वेक्टर जो है 90 डिग्री रोटेट कर जाता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सो ये तीनों ही करेक्ट है और ऑप्शन डी देखिए क्या है ऑल ऑफ द अबव सो इसको आप करेक्ट मार दीजिए अब चलते हैं कहाँ पर क्वेश्चन नंबर फोर्टीन में फोर्टीन क्वेश्चन क्या है रेजोनेंस इज ऑफ टू टाइप्स डिपेंडिंग ऑन देखिए बेसिकली बेसिकलीवर्स इस वीडियो में एक छोटा सा वीडियो था रेजोनेंस का इसमें हम लोगों ने देखा था कि बेसिकली जो रेजोनेंस है वो दो प्रकार का होता है इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में एक होता है आपका सीरीज रेजोनेंस और एक होता है आपका पैरल रेजोनेंस और ये कैटेगरी डिवाइड किया जाता है अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स की मदद से अगर सर्किट में जो एलिमेंट्स का अरेंजमेंट है अगर वो सीरीज में है तो वो कहलाएगा सीरीज रेजोनेंस इन एलसीआर सर्किट अगर पैरेलल में है तो वो कहलाएगा पैरेलल रेजोनेंस इन एलसीआर सर्किट सो ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा चलिए फिफ्टींथ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं यहां हम लोग लिए है अक्रॉस द कैपेसिटर लैक्स द करंट पासिंग थ्रू इट बाय 90 डिग्री इज रिप्रेजेंटेड बाय देखिए यहां कह ये यह रहा है कि कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है ना वो करंट को लैग करता है पासिंग थ्रू इट बाई नाइन्टी डिग्री तो इसको हम लोग ऑपरेटर जे की मदद से किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या ये माइनस जे बाई ओमेगा सी होगा क्या ये वन बाई जे ओमेगा सी होगा या यहाँ ए और बी दोनों ही करेक्ट है या फिर नन तो ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देते हैं या बताइए क्योंकि हम लोगों ने पिछली वीडियोज में इन सारी चीज़ों पर चर्चा किया है ओके okay. चलिए जो अपना सिक्सटींथ क्वेश्चन है वो देखते हैं क्या कह रहा है रेजोनेंस में भी ऑप्टेंड बाई वेराइंग जो रेजोनेंस है जो विनोम है रेजोनेंस इसको हम लोग ऑप्टेन कर सकते हैं किन किन चीज़ों को वेरी करके इंडक्टेंस को कैपेसिटेंस को फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड ई को या फिर ऑल ऑफ द ऑफ देखो बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है एफ नॉट का वो होता है वन बाई टू बाई अंडर रूट एल सी सो रेजोनेट फ्रिक्वेंसी आपका इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों पे डिपेंड करता है इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों को अगर आप वेरी करोगे तो आप रेजोनेंस को क्या कर सकते हो अचीव कर सकते हो साथ ही साथ अगर मान लीजिए कि आपका जो गिवेन सर्किट है ठीक है उस सर्किट का कुछ नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगा अगर आपने ई उस सर्किट के नेचुरल फ्रीक्वेंसी पर अप्लाई किया है तो उस केस में भी आप रेजोनेंस को अचीव कर सकते हैं so सो ये तीनों को ही अगर आप वेरी करते हो इंडक्टेंस कैपेसिटेंस और

तो यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है ये क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करके बताना है क्योंकि ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पिछली वीडियोस में नोमेरिकल्स को जो भी नोमेरिकल्स था सबको डिस्कस किए हैं क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है क्यू इज इक्वल टू ओमेगा नॉट एल वाई आर ठीक है ये हम लोग पैरल रेजोनेंट और सीरीज सीरीज रेजोनेंट दोनों में यूज़ करते हैं है ना तो यहाँ पे देखिए ओमेगा नॉट की जगह टू पाई एफ नॉट एल बाई आर कर देना अब देखो यहां एफ नॉट नहीं है लेकिन हम लोग एफ नॉट इन फॉर्मूलाजिएगा एफ नॉट के फॉर्मूला को और इनके वैल्यूज की मदद से निकाल सकते हैं ठीक है निकाल के इसके वैल्यू को रखोगे तो Q का वैल्यू मिल जाएगा तो ये काम आप खुद से करके बताइए कितना इसका आंसर आ रहा है देखिए आज के इस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में जहां पर हम लोग एसी ब्रिजेस को जो अल्टरनेटिंग करंट पर जो ब्रिजेस काम करती हैं जैसे कि मैक्सवेल्स ब्रिज टी साउटीज ब्रिज ओके कैरी फॉस्टर्स ब्रिज ओन्स ब्रिज है ना आ, है ना इस प्रकार के कई ब्रिजेस हैं इन सब को जो है हम लोग डिस्कस करेंगे चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में